ज्यादातर न्यूज चैनल्स और एग्जिट पोल के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बन रहे हैं, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आ रही है। अपने सियासी करियर का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रही दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एग्जिट पोल के नतीजों को सिरे से नकार दिया है। शीला ने कहा है कि एक्स्ट्रा वोटिंग से कांग्रेस को फायदा होगा। केवल इंडिया टुडे, ओआरजी और एबीपी नीलसन के ही सर्वे है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में स्पष्ट बहुमत दिया गया है। ओआरजी ने बीजेपी को 41 सीटें और नीलसन ने 37 सीटों की संभावना प्रकट की है। इंडिया टुडे और ओआरजी के सर्वे ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी एएपी को मात्र 6 सीटें दी हैं, बाकी ज्यादातर सर्वे में आम आदमी पार्टी को 16 से 20 सीटें तक मिलती दिख रही हैं। दिल्ली की त्रिकोणीय जंग में लोगों ने 66% रिकॉर्ड वोटिंग दी है। पिछली बार वोटिंग प्रतिशत 58% था, इस बार 8% ज्यादा वोटिंग हुई। दिल्ली में भारी पैमाने पर वोटिंग हुई है। एक अनुमान के मुताबिक शाम 6 बजे तक पूरे दिल्ली में करीब 70,000 लोग लाइन में खड़े थे। दिल्ली के सीएम शीला दीक्षित ने कहा एग्जिट पोल भरोसे के काबिल नहीं है। शीला का आरोप, एग्जिट पोल में कांग्रेस को हमेशा कमतर आंका जाता है, ज्यादा वोटिंग से कांग्रेस को होगा फायदा। नई दिल्ली सीट पर भी मुकाबला काफी रोमांचक लग रहा है। इस सीट पर 70% के करीब वोटिंग हुई है। बीजेपी नेता विजेंद्र सिंह और एएपी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शीला को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हर्षवर्धन ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी 15 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापस लौटेगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बहुत आगे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक देश में कांग्रेस विरोधी माहौल है। हवा बीजेपी के पक्ष में चल रही है और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हो रही है। राजस्थान में वसुंधरा का चला जादू। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में गहलोत राज के खात्मे के साफ संकेत। बीजेपी को 147 सीटें तो 39 सीटों तक सिमटी कांग्रेस। मध्य प्रदेश में शिवराज की शानदार जीत की उम्मीद। चुनाव बाद सर्वे में 161 सीटें मिलने के आसार। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 62 सीटें। जनता के भरोसे पर खड़े उतरते दिख रहे रमन सिंह। कड़े मुकाबले में कांग्रेस फिर परास्त। एग्जिट पोल में बीजेपी को 51 तो कांग्रेस को 39 सीटें। 3 राज्यों में बीजेपी के स्पष्ट बहुमत के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की बाछें खिली। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं की मेहनत और मोदी लहर का असर बताया। मिजोरम में टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि एमएएफ एमपीसी के गठबंधन को 14 सीटें मिल रही हैं। जेडएनपी को 5 सीटें मिलने की उम्मीद। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले होने जा रहे इस शीतकालीन सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बीजेपी पार्लियामेंट कमेटी की बैठक। आडवाणी के घर हुई मीटिंग में विपक्ष ने पहले ही दिन से महंगाई और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। वहीं दूसरी तरफ सरकार महिला आरक्षण और लोकपाल जैसे विधेयक पारित करवाकर अगले लोकसभा चुनावों की जमीन तैयार करना चाहती है। सरकार चुनावों के नजरिए से फायदेमंद कहे जाने वाले ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास करवाना चाहती है। सरकार महिलाओं को लुभाने के लिए सोनिया गांधी का पसंदीदा महिला आरक्षण बिल इस सत्र में पास करवाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का खुला ऐलान कर दिया है। बीजेपी समेत कई पार्टियां अलग तेलंगाना राज्य से जुड़े विधेयक को सत्र में पेश करवाना चाहती हैं, लेकिन वो सूची में ही शामिल नहीं है। सत्र 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा। आंध्र प्रदेश को बांटकर अलग तेलंगाना राज्य में रायलसीमा के 2 जिलों को शासित करवाने के प्रस्ताव पर वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति ने विरोध किया। राल तेलंगाना प्रस्ताव के खिलाफ टीआरएस ने अगले 3 दिनों तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर जीओएम ने विचार किया है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि तेलंगाना को अलग राज्य बनाने पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट पर आज कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा होगी। वाईएसआर पार्टी के चीफ जगन मोहन रेड्डी ने तमिलनाडु के सीएम जयललिता से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक चली बैठक। अलग तेलंगाना को लेकर दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक हंगामा जारी। हैदराबाद में आंध्र के बंटवारे के खिलाफ लोगों का विरोध मार्च। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गुजरात पुलिस को स्वयंभू संत आसाराम के बेटे नारायण साई को 1 दिन के लिए ट्रांजिट रिमांड पर सौंपने की अर्जी मंजूर कर ली है। सूरत कोर्ट में आज नारायण साई की पेशी।
दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने नारायण साईं और उसके साथियों रमेश और हनुमान को 24 घंटे के लिए ट्रांजिट रिमांड पर भेजा। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई नारायण साईं की पेशी, रेप के आरोपी नारायण का बयान, मुझे फंसाया गया, समर्थकों का कोर्ट में हंगामा। सूरत रेप केस के आरोपी नारायण साईं पुलिस की गिरफ्त में आया, दिल्ली के अंबेडकर अस्पताल में जांच के लिए लाया गया नारायण साईं, कहा फंसाया जा रहा है। अपने बेटे नारायण साईं की गिरफ्तारी पर बोले आसाराम, समय सब ठीक कर देता है। नारायण साईं के पास से पुलिस ने बरामद किए 2,61,000 रुपए। नारायण साईं के साथ ही हनुमान के पास से मिले 13,05,000 रुपए। इसके अलावा 6 मोबाइल भी पुलिस ने किए बरामद। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेशी के दौरान नारायण समर्थक और विरोधी भिड़े, एक दूसरे पर लात घूसों से वार। गोवा पुलिस ने तहलका के पूर्व प्रबंध संपादक शोमा चौधरी और 3 अन्य को एक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए समन भेजा। तरुण तेजपाल को पुलिस लॉकअप में नहीं मिलेगी पंखे की सुविधा, गोवा की एक अदालत ने तरुण तेजपाल की अपील की खारिज। तहलका यौन उत्पीड़न केस में गोवा पुलिस ने गृह मंत्रालय को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी है। तहलका के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की निंदा करते हुए कहा है कि उनके जिंदा रहते पाकिस्तान भारत के खिलाफ किसी भी जंग को जीत नहीं सकता। पाकिस्तान ने मीडिया में आई उस खबर को गलत बताया जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कश्मीर के मुद्दे पर भारत से चौथी जंग कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा था कि कश्मीर मामले पर किसी भी वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ सकती है। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का धर्मनिरपेक्षता से कुछ लेना देना नहीं है, ये भारतीयों के दमन और भेदभाव का तरीका है। पाकिस्तान ने भारत से सियाचिन से अपने सैनिक हटाने के लिए कहा और दावा किया कि ग्लेशियर पर उनकी मौजूदगी से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत पर आतंकी हमलों के लिए सीमा पार मौजूद ताकतें जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में फिर आतंकी हमले